Hello everyone, I hope you all are doing well. I'm about to show you a few pictures and I want you to observe them very carefully. Here is your picture 1, picture 2 and picture 3. Well, can you tell what is common in all these three pictures? Let's have a closer look. Picture 1 represents a dictionary. और डिक्शनरी में क्या होता है? डिक्शनरी में आपके होते हैं वर्ड्स और उनके मीनिंग्स. And one more thing important about a dictionary is that all these words are arranged in an alphabetical order, right? Picture 2 was of attendance register, जो आपने अपने क्लास टीचर्स को यूज़ करते हुए देखा होगा. Well, एक अटेंडेंस रजिस्टर में आप सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं रिगार्डिंग योर प्रेजेंस एंड योर एब्सेंस ऑन अ पर्टिकुलर डे. एंड पिक्चर 3 वॉज अ ग्रोसरी लिस्ट. अब जब आप भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप भी एक लिस्ट मेंटेन करते हैं, राइट? तो उसी तरह से शॉपकीपर्स भी अपने शॉप की एक ग्रोसरी लिस्ट मेंटेन करके रखते हैं दैट व्हाट आर द आइटम्स दैट आर करेंटली अवेलेबल टू अस एंड व्हाट नॉट. नाउ इफ वी कंसीडर दीज थ्री ऑब्जेक्ट्स, इन तीनों ही केसेस में एक चीज कॉमन है एंड दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट? सो सच कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ डेटाबेस. All right, but there is one more thing that you must keep in mind while considering a database, that a database always contains a particular information. यानी कि आप एक डिक्शनरी में ग्रोसरी लिस्ट के आइटम्स नहीं ऐड कर सकते तो वो डेटाबेस नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि दैट मीन्स आपने रैंडमली कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टोर कर लिए हैं. सिमिलरली एक क्लास के अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर आप डिक्शनरी के वर्ड्स और उसके मीनिंग स्टोर कर दें तो अगेन इट वॉन्ट बी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. इसी वजह से हम उसे डेटाबेस नहीं कह सकते. वेल, नाउ व्हाट अदर एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस कैन यू थिंक ऑफ? लेट्स स्टार्ट विद द ईजीएस्ट वन. आप सभी ने बैंक्स विजिट किए होंगे, राइट? So, banks maintain the records of their customers. यानी कि एक बैंक में जितने भी कस्टमर्स आते हैं उन सभी के अकाउंट की डिटेल्स बैंक अपने पास मेंटेन करता है, जैसे कि उनके बैंक अकाउंट से कितने ट्रांजैक्शंस हुए, कौन सी बैंक पॉलिसीज कस्टमर्स ने अवेल कर रखी हैं एंड सो ऑन. सो अगेन ये एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को क्लब किया गया है यहाँ पर, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस. सिमिलरली अगर हम आपके रिकॉर्ड्स की बात करें, यानी कि आपके स्कूल रिकॉर्ड्स, जी हाँ, इवन योर स्कूल मेंटेन योर रिकॉर्ड्स एंड इट इंक्लूड्स योर एकेडमिक अचीवमेंट्स, योर को करिकुलर अचीवमेंट्स, योर फिजिकल फिटनेस एंड ऑल दोज काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो आप सभी के बारे में हमने भी डेटाबेस मेंटेन कर रखा है. सिमिलरली आपके पेरेंट्स जिस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पर भी उनकी पर्सनल डिटेल्स और उनकी डेट ऑफ जॉइनिंग, ये सभी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी जाती हैं. सो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये तीनों ही एग्जाम्पल्स डेटाबेस के हैं. बट नाउ द थिंग इज कि हम ये डेटाबेसेस किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से मेंटेन करते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं. अब अगर हम एक पेन एंड पेपर अप्रोच की बात करें देन उसके साथ काफ़ी सारी लिमिटेशंस जुड़ी हुई हैं. सो लेट्स गो बाय दोज लिमिटेशंस वन बाय वन. अगर आप मैनुअली यानी कि पेन और पेपर की मदद से अपने डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज
chances of committing errors. Errors मतलब mistakes. अगर आप pen and paper approach से अपने database को बनाते हैं तो काफ़ी chances हैं कि जहाँ पर भी आपको data के duplication की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपसे गलती हो सकती है. Secondly, it is very time consuming. अगर आपको similar information multiple tables में store करनी है तो आपको उन्हें बार बार ही लिखना पड़ेगा, which is time and energy consuming. Thirdly, the updation or modifications of the records is also a tedious task. यानी कि आपके existing records में आपको कुछ changes करने हैं, कुछ updation, कुछ editing करनी है, तो वो भी आपके लिए एक tedious task बन जाता है, क्योंकि आपको manually खुद से एक एक list में हर जगह changes करने पड़ेंगे. Right? So, here comes the concepts of DBMS. Now, the question arises, what is exactly DBMS? Well, DBMS stands for Database Management System. यानी कि कुछ ऐसे system softwares जिनकी मदद से आप अपने database को बना सकते हैं. क्योंकि manually databases बनाने में हमें इतनी सारी problems को face करना पड़ा था, तो हमारे लिए एक option electronic databases बनाने का भी है. और जो softwares आपको ये databases electronically बनाने में, modify करने में help करते हैं, उन्हीं को हम DBMS कहते हैं. Alright? Now next comes, what are the examples of these DBMS softwares? Well, here are two. One is Microsoft Excel, जिसके बारे में आपने junior classes में भी पढ़ा है. Microsoft Excel में आप अपने data को tabular form में store करते थे. Another one is Microsoft Access. इसके बारे में आप इस unit में और detail में आगे पढ़ेंगे. Now, what is the advantage of creating a database electronically? यानी कि अगर अपने डेटाबेस को मैनुअली ना बनाकर कंप्यूटर की मदद से बनाएं, तो उसके क्या क्या फ़ायदे आप उठा सकते हैं. द फर्स्ट वन इज इट इज़ टाइम सेविंग बिकॉज इट अलाउज फास्ट डेटा हैंडलिंग जस्ट लाइक फ्लैश. सेकेंड, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एरर्स. यानी कि अगर आप अपने डेटा को कंप्यूटराइज्ड वे में मेंटेन करते हैं तो आपको डेटा का मॉडिफिकेशन एंड अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड्स बिकम्स रियली ईजी फॉर यू. इसीलिए आपके मिस्टेक्स के चांसेस भी कम होते हैं. एंड थर्डली, इट इज़ एन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसीजर. आई मीन थिंक अबाउट इट, अगर आप अपने डेटाबेस को कंप्यूटराइज बना रहे हैं, यू आर नॉट यूजिंग पेन एंड पेपर, पेपर आप अगर वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी अप्रोच डेफिनेटली इको फ्रेंडली है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटराइज डेटाबेस. मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ डेटाबेस. अब हमने इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस बनाने के सॉफ्टवेयर्स भी देख लिए और हमने उसके एडवांटेजेस भी देख लिए. वेल, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटाबेस दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग दीज DBMS सॉफ्टवेयर्स? द फर्स्ट वन इज फ्लैट फाइल डेटाबेस. अब फ्लैट फाइल डेटाबेस में क्या होता है कि आप एक सिंगल टेबल में अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख लेते हैं. राइट? जिस तरह से आप MS Excel में काम करते आए हैं. सेकेंड इज अ रिलेशनल डेटाबेस. नाउ हाउ इज अ रिलेशनल डेटाबेस डिफरेंट फ्रॉम फ्लैट फाइल डेटाबेस? वेल, एक रिलेशनल डेटाबेस में भी आप अपने डेटा को टैबुलर फॉर्म में ही अरेंज करते हैं, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पर आप अपने डेटा को छोटी छोटी डिफरेंट टेबल्स में स्टोर करके उसे आपस में इंटरलिंक कर देते हैं. ऑलराइट? और इसका एग्जांपल आएगा आपका MS Access. सो फ्लैट फाइल डेटाबेसेस आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में बना चुके हैं विद द हेल्प ऑफ MS Excel. यानी कि हमने एक सिंपल टेबल क्रिएट करी और उसी में अपना सारा डेटा स्टोर कर दिया. करेक्ट? बट रिलेशनल डेटाबेसेस अब आगे सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ MS Access सॉफ्टवेयर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. यानी कि
अपने डेटाबेस को डिज़ाइन करते हुए मैं किन किन टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करूँगी? वेल, सबसे पहला पार्ट मेरे डेटाबेस का होता है टेबल। आप चाहे फ्लैट फाइल डेटाबेस बना रहे हो या रिलेशनल, आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होगी एंड दैट फॉर्म्स योर टेबल। सो वी कैन ऑल्सो से दैट अ टेबल इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डेटाबेस। नेक्स्ट कम्स अ फॉर्म, यानी कि आप अपने टेबल के अंदर डेटा की एंट्री कैसे करा रहे हैं। यस, यू कैन डू इट बाय द हेल्प ऑफ फॉर्म्स। जैसे कि आपने ऑनलाइन भी बहुत से फॉर्म्स फिल किए होंगे, कभी सोचा है कि आप उस फॉर्म पर सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी वो इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेज रहे हैं? वेल यस, आप उसे एक डेटाबेस में सेव करा रहे हैं। थर्ड इज क्वेरी। नाउ इन जनरल व्हेनेवर वी से वी हैव अ क्वेरी, दैट मींस वी हैव अ क्वेश्चन, वी हैव अ डाउट, राइट? अब आपके डेटाबेस में सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी वास्ट वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो आप उसमें से एक छोटा सा रिकॉर्ड किस तरह से ढूंढेंगे? वेल, इट इज़ प्रिटी ईजी। आप विद इन अ सेकेंड अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ सिंपल कंडीशंस लगाकर, और ईजिली अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिपोर्ट। अब जैसे आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में आपके पूरे साल की मेहनत एक सिंगल कार्ड में रिप्रेजेंट हो जाती है, राइट? कि आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स, आपके को करिकुलर अचीवमेंट्स सारे एक पीस ऑफ पेपर पर रिप्रेजेंट हो जाते हैं। उसी तरह से आपके डेटाबेस के अंदर जितनी भी वास्ट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उस सभी की एक समरी जनरेट करके उसे प्रिंटेबल फॉर्मेट में लाने को ही हम रिपोर्ट कहते हैं। सो what all have we learned today? Well, we have learned that database is an organized collection of particular information. Humne electronically or manually databases ko create karne ke advantages and disadvantages bhi discuss kiye. Then DBMS, which stands for database management systems, humne un system softwares ke bare mein sikha जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिकल डेटाबेस बना सकते हैं। एंड लास्ट द टू टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस विच वर फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल। वेल दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल मीट यू इन द अनदर वन।